नेटफ्लिक्स हिंदुओं और हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है। वहीं वीडियो स्ट्रीमिंग साइट नेटफ्लिक्स, जिसका आजकल हिंदुस्तान में यूथ दीवाना है क्योंकि इस पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी समेत कई नए एक्टर्स की गालियां और मारधाड़ वाली वेब सीरीज देखकर वे इसके दीवाने हो गए। लेकिन ये बात शिवसेना को पसंद नहीं आई और इस साइट के खिलाफ केस ठोक दिया। इस वीडियो स्ट्रीमिंग साइट के खिलाफ हिंदुओं और हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए शिवसेना के एक नेता ने शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की मांग भी की गई है। शिवसेना के आईटी सेल के सदस्य रमेश सोलंकी ने एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में जो शिकायत दी, उसमें कहा गया है कि सेक्रेट गेम्स लैला और घोल समेत स्टैंड अप कॉमेडियन हसन मिनहास के शो में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संवादों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही उन्होंने नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में हिंदुओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। सोलंकी ने अपनी शिकायत में कहा, नेटफ्लिक्स इंडिया पर दिखाए जाने वाली लगभग सारी सीरीज वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करने की मंशा दर्शाती है। यह प्लेटफॉर्म गहरी जमी हिंदू फोबिया यानी हिंदुओं को लेकर भय के चलते देश की खराब छवि दिखा रहा है। सोलंकी ने आगे कहा कि मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि ऊपर बताई गई इन सारी सीरीज पर नजर डालें और नेटफ्लिक्स टीम को समन भेजने से लेकर उनका लाइसेंस रद्द करने तक जो भी जरूरी कदम लगे वो उठाएं। सोलंकी ये शिकायत की कॉपी को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी डाले हैं, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो कुछ लोग इस शिकायत को बेतुका बताते हुए विरोध भी कर रहे हैं। रमेश सोलंकी ने शिकायत कॉपी को महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, मुंबई पुलिस कमिश्नर और साइबर सेल के सीनियर पुलिस अधिकारी को सीडी के साथ भेजा है। बता दें कि मीडिया सर्विस प्रोवाइडर नेटफ्लिक्स एक अमेरिकन कंपनी है। पिछले कुछ सालों में ये भारत में मनोरंजन के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हुई। कई वेब सीरीज के चलते नेटफ्लिक्स को अधिकांश लोग जानते हैं, हालांकि इसका विवादों से भी नाता रहा है। फिलहाल देखना होगा मुंबई पुलिस और देवेंद्र फडणवीस सरकार इस शिकायत पर क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।